नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के अनुसार हम किस युग में जी रहे हैं? यह प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलयुग की, युगों के चक्र में चौथे और वर्तमान युग की, जिसका वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। यह युग सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आता है। कलयुग को अक्सर अंधकार युग कहा जाता है, एक ऐसा समय जब मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर जाती है। यह युग नैतिकता और धर्म के पतन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में सत्ययुग की तुलना में पुण्य घटकर केवल एक चौथाई रह जाता है। यह युग पाप और अधर्म के बढ़ते प्रभाव का समय है। महाभारत और पुराणों सहित हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग का विशद वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों और इसके प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वे बताते हैं कि जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ेगा, आशाएं और नैतिकता गिरती जाएगी, लोग लालची हो जाएंगे और व्यापक अशांति और संघर्ष होगा। यह युग मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। क्या यह कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? आज की दुनिया में भी हम इन लक्षणों को देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह भी कहा जाता है कि कलयुग में अंधकार के बावजूद व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह युग आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने की बाधाएं कम हो जाती हैं। यह युग भक्ति और निष्ठा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह युग भक्ति और निष्ठा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचान सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यह उन सकारात्मक पहलुओं को अपनाने के बारे में है जो यह युग प्रदान कर सकता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और सच्चाई को अपनाना चाहिए। यह उन सकारात्मक पहलुओं को अपनाने के बारे में है जो यह युग प्रदान कर सकता है। अच्छे कर्मों में संलग्न होना, सत्य की खोज करना और सकारात्मकता फैलाना कलयुग के प्रभावों को कम करने का हमारा तरीका हो सकता है। अच्छे कर्मों में संलग्न होना, सत्य की खोज करना और सकारात्मकता फैलाना कलयुग के प्रभावों को कम करने का हमारा तरीका हो सकता है। हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। अंत में, जबकि कलयुग को अक्सर अंधकार के युग के रूप में चित्रित किया जाता है, यह गहन आध्यात्मिक जागृति का अवसर भी लाता है। यह युग हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने का अवसर देता है। चुनाव हमारा है, अंधकार के आगे झुकना या उसके भीतर अपना प्रकाश खोजना। हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना चाहिए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें जो हिंदू दृष्टिकोण से हमारे युग की गहरी समझ की सराहना कर सकते हैं। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें जो हिंदू दृष्टिकोण से हमारे युग की गहरी समझ की सराहना कर सकते हैं। यह ज्ञान और समझ हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। धन्य रहें और सत्य की खोज करते रहें। यह युग हमें अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने का अवसर देता है।